सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल नाल जुड़िया सारिया संगतां नूं जय पीरां दी। अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे कि जदों भी असीं अपने गुनाहां दी अपनी गलतियां दी माफ़ी उस रब तों अल्लाह पाक तों मंगदे हां ते अल्लाह पाक किन्ना क खुश हुंदा है कि उह सानूं माफ़ी दे दिंदा है कि असीं वड्डे तों वड्डा गुनाह कीता होवे कि सानूं उहदी भी माफ़ी मिल जांदी आ। जेकर अल्लाह ताला सानूं माफ़ कर भी दिंदा है तो उसनूं किन्नी खुशी हुंदी आ। अज इसे बारे गल करांगे। सो हथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करियो। पीरां दी प्यारी साध संगत जी, ये जो अज दी कहानी आ ये असीं एक मुस्लिम पीर बाबा है पाकिस्तान दे विच उन्होंने अपनी संगतां नूं एक कहानी सुनाई सी जिहड़ी कि बहुत ही ज़्यादा मैनूं वधिया लगी, जिहदे विच बहुत वड्डा एक राज छुपिया होया है, बहुत वड्डी ज्ञान दी गल है, तां ही इह असीं तुहाडे नाल शेयर करन लगे हाँ। सो बड़े गौर ते ध्यान दे नाल सुणियो, जदों जदों भी तुहाडा मन परेशान होवे दिल दुखी होवे तां इस वीडियो नूं देख लिओ सुन लिओ, तुहाडे मन नूं शांति मिल जाएगी। उन्होंने दसिया कि ये जो किस्सा कहानी है ये हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी उम्मत नू अपने सहाबा नू सुनाया सी। उन्होंने दसिया कि जदों असी रब तो माफ़ी मंगते हैं अल्लाह पाक तो वह किन्ने खुश होंदे आ। उन्होंने फरमाया कि बहुत पुराने समय की गल आ कि एक आदमी ऊठ लै के वह जंगल दे विच सफर कर रहा सी। उहदे ऊठ दे उत्ते उहदा सारा जरूरी समान सी जिवें कि पानी, भोजन, होर वस्त्र, होर उहदा बहुत ही ज़्यादा जरूरी समान जिहदे नाल जिंदगी का गुजारा होना सी, जिहदे नाल वह सरवाइव कर सकदा सी। वह पूरे का पूरा समान उस ऊठ उत्ते सी। वह जंगल दे विच सफर कर रहा है, जदों दोपहर का वक्त होया, गर्मी ज़्यादा वधी, धुप ज़्यादा होई, तो उन्हें एक संघना दरख्त दिखाया। उन्हें सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर इतने आराम किया जाए तो खाना पानी खा के फिर अगे वध्या जाए। यही सोच के वह संघने दरख्त के थले गया तो जाके अपने ऊठ नू एक छोटी जिही झाड़ी दे नाल बन दिता तो आप वह आराम करन लई उस दरख्त के थले चले गया। कुछ देर वह दरख्त की ठंडी छां के थले बैठा रहा, बैठे बैठे नू अचानक ही नींद आ गई। जदों उहदी दोबारा अख खुली तां उहने देखिया कि उहदा ऊठ उत्थे नहीं सी। उह देख के इन्ना घबरा गया, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उहदा जीवन नू निर्वाह करने वाला पूरे का पूरा समान उस ऊठ उत्ते ही सी। उहने उस ऊठ नू आले दुआले बहुत लभिया बहुत लभिया, पर वह ऊठ उहनू किते ना लभिया। जदों थक हार गया वह रोण लग पिया, इधर उधर देखिया पर उहनू ऊठ किते ना मिलिया। फिर अल्लाह दे पाक नबी फरमाउंदे आ कि जदों उस आदमी नूं ऊठ किते ना दिसिया वह रोण लग पिया, उहनूं कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा सी। हुण उहने उसे दरख्त थले बैठ के वह अपनी मौत नूं उड़ीकण लग पिया क्योंकि उस जंगल दे विच पैदल सफ़र करना भी मुमकिन नहीं सी। सफ़र भी उहदा बहुत ज़्यादा लंबा सी, बिना ऊठ तों वह सफ़र भी नहीं कर सकदा सी। इक उहदा बहुत ज़्यादा जरूरी जीवन निर्वाह करने वाला समान भी सारा ऊठ ते ही सी। उन्हें सोचा कि हुण मैं इत्थों कदे नहीं निकल सकता, कदे नहीं जा सकता, हुण मौत मैनू इत्थे आके घेरेगी। तो वह बैठा रोंदा रोंदा अपनी मौत नू उड़ीकण लग पिया। रोंदे रोंदे दी अचानक अख लग गई, ये सब अल्लाह पाक दा ही करिश्मा सी। जदों दोबारा उहदी अख खुली तां उहनें देखिया कि ऊठ उहदा बिल्कुल उहदे सामने ही खड़ा है ते सारे दा सारा समान भी उहदे उत्ते ही है। वह ऊठ नू देख के इन्ना ज़्यादा खुश होया, उहनू इंज लग्या कि मेरी जिंदगी वापस आ गई आ, मेरी जिंदगी वापस मेरे कोल आ गई आ। उहनू इन्नी ज़्यादा खुशी हो रही सी। हुण तुसीं आपे सोचो कि किसे आदमी नू अपनी मौत सामने दिसदी होवे ते अचानक उहनू जिंदगी मिल जावे, उहनू किन्नी खुशी हुंदी होवेगी, किन्ना उहदा दिल खुश हुंदा होवेगा। इसे तरह उसे आदमी दा दिल खुश हो गया सी, उहदा मन इन्ना ज़्यादा खुश होया अपने ऊठ नू देख के, जिहनू के शब्द दे विच बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल आ। वह आदमी जिन्ना ऊठ नू देख के खुश होया, अल्लाह दे पाक नबी फरमाउंदे आ कि अल्लाह ताला खुद फरमाउंदे आ कि मेरा कोई भी मनन वाला, मेरे विच यकीन रखण वाला,
इन्ने गुनाह लेके आवे, इन्ने गुनाह लेके आवे कि ओदे गुनाहां दे नाल पूरे दी पूरी धरती लुक जावे, पूरे दा पूरा समान लुक जावे। पर जेकर आहो इक बार सच्चे दिलो पूरे तन मन दे नाल मेरी बारगाह दे विच आके तौबा करे, माफी मंगे, तां अल्लाह ताला एक सैकंड तो पहला ही उन्हें माफ फरमा देंदे आ। बस साड़ी तौबा, साड़ी गलती माफी दिलों होनी चाहीदी आ। अल्लाह ताला दे नाल वादा होना चाहीदा कि जो पिछे हो गया है अल्लाह पाक, ए अरशे मौला, मैं तेरी बारगाह दे विच तौबा करदा हाँ, एक बार मैनू बख्श दे, मैं मुड़ के ये गलती कदे नहीं करदा। ए मेरे रब, मेरे तो गलती हो गई आ, असि कलजुगी जीव आ, दम दम दे भुलण हार आ, तू बख्शन हार आ, एक बार बख्श दे। ता कहंदे हन कि अल्लाह ताला उसे वेले ही बख्श दिंदा है, ते अपने फरिश्तियां नू हुक्म करदा है कि इनू जो चाहिदा है दे दियो। जिन्नी खुशी उस आदमी नू उठ मिलन ते होई सी, एदे तो हजार गुणा ज्यादा। कहंदे हन के अल्लाह ताला नू खुशी हुंदी है जदों उहदा ना फरमान बंदा, उह तो बिगड़िया बंदा अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच आके दुआ करदा है, तौबा करदा है, अल्लाह ताला नू उस तो ज्यादा हजार गुणा खुशी हुंदी आ। सो जेकर असी अपनी जिंदगी दे विच खुशियां चाहुंदे आ, सुकून चाहुंदे आ, बरकतां चाहुंदे आ, धन दौलत औलाद चाहते हाँ, हर खुशी चाहते हाँ, तो अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला की बारगाह के विच जाके जरूर मंगो, तौबा जरूर करो। कहिंदे हन कि जेड़ा इंसान समय समय ते गलतियां दी माफ़ी मंगदा रहिंदा है, तौबा करदा रहिंदा है, उहदे कीते होए गुनाहां दी माफ़ी मिलदी रहिंदी आ, ते जिंदगी इक सार चलदी रहिंदी आ। पर सानू कोशिश करनी चाहीदी आ कि असीं जिस कम्मां तों सानू अल्लाह पाक ने रोकिया है उह कम सानू कदे नहीं करने चाहीदे। जे कदी जाने अणजाने च गलती हो भी जावे तां उहदी बारगाह दे विच जाके पूरे दिलों तनो मनो पूरे यकीन दे नाल पूरी इबादत पूरी लहजे दे नाल अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच जाके माफ़ी मंगो। अल्लाह ताला 70 मामा जिन्ना प्यार करने वाला है ओ सानू बख्श दिंदा है, इन्ना रहीम इन्ना करीम है अल्लाह ताला, ओ ता बड़े तो बड़े गुनाह नू भी बख्श दिंदा है। बस सानू ओदी बारगाह दे विच जाण दी जरूरत हुंदी आ, तौबा करन दी जरूरत हुंदी आ, ओ बड़े तो बड़े गुनाह नू भी माफ़ कर दिंदा है। इस करके अपनी दुआ दे विच अल्लाह ताला तो माफ़ी जरूर मंगया करो अपने कीते हुए गुनाहां दी जाने अनजाने दे विच, तां जो अल्लाह ताला सानू माफ़ करे ते अपने चरणां दे विच सानू लावे, अपनी इबादत विच सानू लावे, अपने हबीब दी अपने महबूब दी गुलामी करनी सानू सिखावे, ते साडे कोलों नेक काम करावे, नेक साडे मन नू बनावे, साडे दिल नू नेक बनावे, सानू इक चंगा इंसान बनावे जो अल्लाह ताला नू पसंद आ, जो उहदे महबूब हबीब नू पसंद आ, इदां दा इंसान बनावे। सो इन्नी खुशी हुंदी है अल्लाह पाक नू जदों कोई ना फरमान इंसान उहदी बारगाह दे विच जाके तौबा करदा है, माफ़ी मंगदा है। सो ये बहुत बड़ा राज आ। जेकर तुसी भी हर तरह की खुशी चाहते हैं तो अपनी गलतियां की माफ़ी जरूर मंगया करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला थोड़ी सारियां दी गलतियां नू माफ़ फरमाउणगे, ते अपने हबीब का गुलाम बनाउणगे, अपने महबूब का गुलाम बनाउणगे, ते सानू एक नेक इंसान बनाउणगे। सो इस गल ते गौर जरूर करो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी आ। ते पीरा फकीरां दीआं होर वीडियो देखण लई इस चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो।